देखो क्वेश्चन है जे एडवांस 1990 का क्वेश्चन, कह रहा है लाइन एल हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू गिवन एंगल्स कीपिंग द ओरिजिन फिक्स द सेम लाइन एल हैज इंटरसेप्ट पी एंड क्यू देन। देखो क्या कह रहा है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ, एक लाइन ये है, तो इस पे कोऑर्डिनेट आपका क्या है ए एंड बी, ए पहले वाले को ए एक्सिस पर मान लेते हैं, दूसरे वाले को वाई एक्सिस पे, तो इस लाइन का क्या लिखेंगे आप y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वन, यही लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, इसको रोटेट कर दे रहा है, मान लो हमने रोटेट किया एंगल थीटा से ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ये ऐसे पूरे ये सिस्टम को मान लो ऐसे रोटेट कर लिया, तो लाइन भी रोटेट हो जाएगा, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे आपका आ गया। तो ये लेंथ अब क्या कह रहा है, यहां से यहां तक इसका दे रखा है आपका पी, और ये वाली लेंथ क्या दे रखा है क्यू, तो वही लाइन का इक्वेशन यही कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान करके क्या आप लिखोगे वाई अपॉन क्यू प्लस एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू वन। एक चीज आप देखो कीपिंग द ओरिजिन फिक्स कह रहा है, तो आप एक चीज देखना ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बराबर होगा, तो इसमें निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या आ जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर बी, तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, ठीक है।